इम्प्लीमेंटेशन से जुड़े ज्यादा है। जैसे इसमें करिकुलम डिजाइन कैसे हो पाएगा, स्थानीय भाषाओं में सिलेबस और कंटेंट कैसे तैयार हो पाएगा, लाइब्रेरीज को लेकर डिजिटल और ऑनलाइन कंटेंट और पढ़ाई को लेकर जो बातें इसमें रखी गई है उन पर कैसे काम होगा, कहीं साधन संसाधन के अभाव में हम अपने लक्ष्यों से चूक तो नहीं जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर भी अनेक प्रकार के सवाल आप सभी के मन में स्वाभाविक रूप से होंगे। ये सभी सवाल महत्वपूर्ण भी हैं। हर सवाल के समाधान के लिए हम सब मिलकर के काम कर रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से भी लगातार संवाद जारी है। राज्यों में भी हर स्टेक होल्डर की पूरी बात, हर राय को, फीडबैक को खुले मन से सुना जा रहा है। आखिर हम सभी को मिलकर ही तो तमाम शंकाओं और आशंकाओं का समाधान करना है। जिस प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी का विजन लेकर के ये पॉलिसी आई है, उसी प्रकार मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी हम सभी को भी इम्प्लीमेंटेशन लेकर भी दिखानी होगी। ये शिक्षा नीति सरकार की शिक्षा नीति नहीं है, ये देश की शिक्षा नीति है। जैसे विदेश नीति किसी सरकार की नहीं, देश की विदेश नीति होती है, रक्षा नीति किसी सरकार की नहीं, देश की रक्षा नीति होती है, वैसे ही शिक्षा नीति भी कौन सरकार है, किसकी सरकार है, कौन बैठा है, कौन नहीं बैठा है, उसके आधार पर नहीं चलती है। शिक्षा नीति देश की ही नीति होती है और इसीलिए 30 साल के बाद, बीच में कई सरकारें आई, 30 साल के बाद आ रहा है, क्योंकि ये सरकारों के बंधनों में बंधी हुई नहीं है, ये देश के एस्पिरेशन से जुड़ी हुई है। माननीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तेजी से बदलते हुए समय को देखते हुए, भविष्य को ध्यान में रखते हुए व्यापक प्रावधान किए गए हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विस्तार गांव गांव तक हो रहा है, देश के गरीब से गरीब को, हर वंचित पिछड़े आदिवासी तक आधुनिक टेक्नोलॉजी पहुंचती जा रही है, वैसे वैसे इंफॉर्मेशन और नॉलेज तक का एक्सेस भी बढ़ रहा है। आज मैं देखता हूं कि वीडियो ब्लॉग के माध्यम से, वीडियो स्ट्रीमिंग साइट पर अनेक युवा साथी ऐसे ऐसे चैनल चला रहे हैं, हर विषय की ऐसी बेहतरीन कोचिंग उपलब्ध करा रहे हैं जिसके बारे में पहले गरीब घर का बालक या बालिका सोच भी नहीं सकते थे। टेक्नोलॉजी तक होने वाली इस पहुंच से क्षेत्रीय और सामाजिक असंतुलन की एक बहुत बड़ी समस्या तेजी से कम होती जा रही है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस को ज्यादा प्रमोट करें। मान्यवर, कोई भी सिस्टम उतना ही इफेक्टिव और इंक्लूसिव हो सकता है जितना बेहतर उसका गवर्नेंस मॉडल होता है। अभी कर रहे हैं ये सवाल